गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ड्रॉप बाय ड्रॉप। बच्चों, इस चैप्टर में हम वाटर, जैसे कि हम ड्रॉप से आपको चल रहा है पता कि वाटर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी है माधव फैमिली की, जो कि राजस्थान में एक छोटे से गांव में रहता है और जहां पर पानी की बहुत स्कैरसिटी है। चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं स्टार्टिंग से। यहां से, माधव लिव इन बाजू अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। माधव राजस्थान के एक छोटे से गांव बाजू में रहता है। इट इज़ हार्डली अ विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। यहां पर सब जगह रेत ही रेत दिखाई देता है, मुश्किल से यह एक गांव है। यहाँ पर वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। कोई थोड़े से घर देख सकता है, वो भी तब जब यहाँ पर सैंड ब्लो ना करे तब। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Everyone in Madho's family is upset. अब माधो की फैमिली में सभी लोग अपसेट हैं। क्यों अपसेट हैं, चलिए देखते हैं। Every summer there is water scarcity in his place. क्योंकि हर एक गर्मियों में यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। This year it is worse. और इस साल तो और भी बुरा हाल है। क्यों, चलिए आगे रीड करते हैं। It did not rain at all. क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. उसकी मदर और सिस्टर दोनों को बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो पास के पॉन्ड थे वो सूख गए हैं। Each day they spend hours just to get 4 पॉट्स ऑफ वाटर। अब प्रत्येक दिन उनको घंटों लग जाते हैं केवल 4 पॉट पानी के लाने के लिए। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जब वो पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलते हैं तो रेत तो गर्म हो जाती है, तो जब वो चलते हैं गर्म रेत पर उनके पाँव जो हैं वो जल जाते हैं और पाँव पर ब्लिस्टर्स यानी छाले जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो पानी लाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी पिक्चर भी देख रहे हैं, देखें यहाँ पर जो घर में लेडीज़ हैं वो सब पानी लाने के लिए आ रही है। देखिए सब लेडीज़ जो हैं पानी के लिए अपने पॉट लेकर के आती हैं और इस पॉन्ड से वाटर लेकर के जा रही हैं। तो यहाँ पर पानी की स्कैरसिटी है माधव के विलेज में। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये घर है, इसका रूफ बना हुआ है ना, यहाँ से एक पाइप जा रहा है और इस पाइप ये क्या अंडरग्राउंड जा रहा है और यहाँ पर एक ढक्कन या लिड लगा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये रेन का जो वाटर है उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना। चलिए रीड करते हैं पैराग्राफ। व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। जब उनकी यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन में वाटर होता है ना, तो वो ट्रेन जब वाटर लेकर के आते हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है वहाँ पर जो टॉयलेट्स होते हैं या और वाटर होते हैं तो टैब होता है, तो वहाँ से ट्रेन में भी वाटर हमको मिल जाता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ट्रेन में टैंक होता है वाटर, वो फिल होता है। तो जब कभी इनके गांव से ट्रेन गुजरती है वहां पर रुक जाती है तो ये उन ट्रेन से भी वाटर ले लेते हैं और जब ट्रेन आती है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। माधोस फादर गोज़ टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। तब ट्रेन से वाटर लाने के लिए कौन जाता है, माधव के फादर जाते हैं अपनी कैमल कार्ट पर।
बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन, लेकिन यह भी प्राय नहीं होता है, कभी कभार ट्रेन आ जाती है तो इनको वाटर मिल जाता है, ऐसा नहीं कि डेली आती है। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर, तो लोग क्या हैं दिनों दिन तक पानी का वेट करते रहते हैं कि कब ट्रेन आएगी। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर, कुछ लोग रेन वाटर को भी कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड, बाय मेकिंग टैंक्स, टंका। तो एक स्पेशल मेथड है, कैसा मेथड है, एक ये टैंक बनाते हैं उसको ये टंका भी बोलते हैं। डू यू नो व्हाट अ टंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट, क्या तुम जानते हैं टंका क्या होता है और कैसे बनता है? चलिए आगे रीड करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर इस पिक्चर में डिस्कस किया है, यही इनका टैंक या टंका है। इस तरह से वो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, रूफ बनाते हैं स्लोप वाली, वहाँ से एक पाइप लगाते हैं, उस पाइप को अंडरग्राउंड में एक अपने आंगन में एक बड़ा सा एक एक गड्ढा बना लेते हैं, उसको पक्का कर देते हैं सीमेंट और ब्रिक्स की हेल्प से। फिर उस गड्ढे में हम जिसको टैंक बोलते हैं वहाँ पर ही वाटर को इकट्ठा करते हैं, रेन के वाटर को। चलिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, इसको भी रीड कर लेते हैं यहाँ से। टू बिल्ड अ टंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज़ मेड पक्का। जैसे कि मैंने बताया, एक टंका बनाने के लिए ये अपने आंगन में कोर्टयार्ड में एक पिट खोदते हैं और उसको फिर पक्का कर देते हैं। द टंका इज़ कैप्ट कवर्ड विद अ लिड, और जो टंका यानी टैंक जो उन्होंने बनाया, गड्ढा बनाया, उसको एक कवर कर देते हैं एक लिड से। लिड मीन्स एक ढक्कन टाइप होता है, उसको ढक देते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग, और जो घरों की छत है वो स्लोपिंग के लिए बनाई जाती है, स्लोप वाली। सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हेयर फ्लोज थ्रू अ पाइप इन टू द टंका, जिससे कि जो रेन वाटर है वो फ्लो करके बह करके एक पाइप से टंका में चला जाता है। अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इन टू द टंका, और जो पाइप लगाते हैं ये उस पर, ये सीव मीन्स छलनी है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, उसको लगा देते हैं जिससे कि जो डर्ट है, गंदगी है, वो टंका में ना जा पाए। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन्ड, और ये जो वाटर स्टोर होता है इसको साफ करने के बाद इसको ये ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए। समटाइम्स माधव इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकाज ऑफ द विलेज, और कभी कभी माधव को भी अलाउ कर दिया जाता है जब उनके यहाँ पर पानी की स्कैरसिटी हो जाती है, नहीं मिलता है, तो गाँव में जिसके यहाँ भी टंका होता है ये, वो उनको अलाउ कर देते हैं कि ये पानी ले सकते हैं। अब ये जो स्टोरी हमने पढ़ी स्कैरसिटी ऑफ वाटर पे, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सोचना है, क्या सोचना है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, है ना। देखो माधव के विलेज में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, पानी लेने के लिए बहुत दूर तक इनको गर्म सेंट पर चलना पड़ता है, क्योंकि इनके आसपास के पॉन्ड ड्राई हो जाते हैं तो ये दूर तक जाते हैं, और जब ट्रेन कोई गुजरती है तो उससे भी पानी लेने चले जाते हैं, और रेन पर डिपेंड रहते हैं, रेन वाटर को ही इंस्टॉल करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन उनको रीड करते हैं। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग, अब ड्रिंकिंग के लिए माधव के विलेज में पानी कहाँ से लाते हैं, है ना, ड्रिंकिंग के लिए। तो ड्रिंकिंग के लिए तो हमने स्टोरी में पढ़ा, वैसे तो ये पॉन्ड से लाते हैं और ट्रेन से भी लाते हैं और रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग के लिए स्पेशल स्टोरी में लिखा है जो रेन वाटर ये कलेक्ट कर रहे हैं टंका या टैंक जिसे कहते हैं वहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, हु फैच वाटर इन माधोज हाउस, माधव के घर में कौन पानी लाता है। अब माधव के घर में तो हमने पहले देखा था कि उसकी मदर ला रही है, सिस्टर ला रही है, कहाँ से, नियर बाय पॉन्ड से, है ना, पॉन्ड से लाती है, और उसके फादर भी कभी कभी लेने चले जाते हैं जब ट्रेन आती है तो वो भी लाते हैं। नंबर थर्ड, वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाई, अब जो टंका में पानी कलेक्ट किया गया है उसको ज़्यादातर पीने के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों। तो जो वाटर टंका में कलेक्ट किया जा रहा है वो ज़्यादातर पीने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेकिन क्लीनिंग के बाद, ऐसे नहीं कि उसको स्टोर के तुरंत यूज़ कर लिया, उसको एक क्लीनिंग के बाद हम इसको यूज़ करते हैं, लिखा था ना वहाँ पर, देखो ऊपर, आफ्टर इट इज़ क्लीन्ड,
है ना, तब ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है इसलिए इस वाटर को यूज़ करते हैं। पानी की कमी ना होती तो वो डायरेक्ट जो फ्रेश वाटर उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ येस हाउ। अब देखो हमारे घरों में तो हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की स्कैरसिटी इधर इतना नहीं है, तो हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करते हैं, है ना, जनरली हम लोग नहीं करते हैं। तो इसके आंसर में आ जाएगा नो। यदि कोई आप लोग अगर रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं तो आप यस लिखेंगे, और फिर किस तरह से कलेक्ट करते हैं उसका भी आप लिख देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में, वो कह रहा है ये वाला, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर, क्या है कुछ और भी मेथड है वाटर को कलेक्ट करने का, जैसे कि इन्होंने रेन वाटर को कलेक्ट किया है टंका बना करके, तो कोई और भी मेथड है? यस मेथड है, हम अपने घरों में, हमारे घर में टैंक होते हैं उनमें कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ड्रम रखते हैं प्लास्टिक का उसमें कलेक्ट करते हैं जहाँ पर स्कैरसिटी है, कुछ लोग बकेट्स में फिल करके रख लेते हैं, कुछ लोग घरों के ऊपर, जनरली हम लोग सब घरों के ऊपर क्या रखते हैं, प्लास्टिक का एक वाटर टैंक रखते हैं तो हम उसमें कलेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से भी आप पानी को कलेक्ट करते हैं डिस्कस कर सकते हैं आप अपनी फैमिली में या नेबरिंग जो आपके लोग रहते हैं वहाँ पर, उनसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से वाटर को कलेक्ट करते हैं। चलिए इनके आंसर मैं आपको सैम्पल आंसर दिखा देता हूँ, वैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ ली है। फर्स्ट का आंसर जैसे कि बताया, द पीपल इन माधोज फैमिली फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम टैंक्स, टैंक से लाते हैं, जो टैंक्स लिख सकते हैं या फिर टंका ये बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे लेते हैं ड्रिंकिंग का, जो रेन वाटर कलेक्ट करते हैं टंका में उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसकी फैमिली में कौन कौन फैच करता है वाटर को, है ना, तो उसकी मदर सिस्टर पॉन्ड से लाते थे और फादर क्या करते थे, कैमल कार्ट पे लाते थे, है ना, तो वही लिखा है फैच वाटर इन माधोज हाउस, तो यहाँ पर ये ई आ जाएगा बेटा फैच में, है ना, ई FETCH फैच वाटर इन माधोज हाउस। थर्ड वाला क्या था कि टंका का वाटर मोस्टली यूज़ होता है ड्रिंकिंग में, क्यों, तो वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर क्लीनिंग, साफ करने के बाद, बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है इसलिए वो इस वाटर को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या था कि क्या आप भी वाटर को कलेक्ट करते हैं रेन वाटर को, तो जनरली हम लोग नहीं करते हैं इसलिए यहाँ पर नो आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव जो था उसमें था कि हम किन मेथड से या और भी कोई मेथड है जिससे वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है डिस्कस करके फैमिली में या अपने घर में आप जिस तरह से भी कलेक्ट करते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक सैम्पल लिखा, यस वाटर कैन बी कलेक्टेड, किया जा सकता है वाटर को कलेक्ट, कैसे, इन टैंक्स, टैंक में किया जा सकता है, ड्रम्स में किया जा सकता है, बकेट में किया जा सकता है, और प्लास्टिक वाटर टैंक जो कि हम जनरली अपने छत पर रखते हैं वाटर को इकट्ठा करने के लिए, इन चीज़ों में हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।